अज अटारी वागा सरहद राही पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं का जत्था अपने गुरु धामां दे दर्शन लई भारत पुजिया। 49 श्रद्धालुओं वालों वीजे की अपलाई की गई सी, जिसके चलदियां एक श्रद्धालु का वीजा रद्द कर दिता गया। 48 दे करीब पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु अटारी वागा सरहद राही अपने गुरु धामां दे दर्शन करन लई भारत पुजे हन। इन्हां नूं 25 दिन का वीजा मिलिया है। 6 अक्टूबर नूं इन्हां पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं की वापसी होएगी। तो देखो किस तरीके दे नाल इन्हां सिख श्रद्धालुओं दे विच पवन कुमार, हम रहने वाले, हम सिंध के रहने वाले, पाकिस्तान सिंध के कश्मीर शहर के रहने वाले। हम यहाँ आके बहुत बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हमारा बड़े मन बचपन से या
तमन्ना थी कि हम बाबे के दर्शन करें। बड़े अभी खुश बहुत खुश हैं यहाँ पे पहुँच के। हम जाएंगे पहले पहले अमृतसर का पहले पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली चले जाएंगे, फिर हेमकुंड साहब चले जाएंगे ऋषिकेश, फिर वापसी पे इधर आके अमृतसर में सिर्फ पाकिस्तान जाएंगे। हमारा 25 दिन का दोनों देशों के संबंध बहुत बहुत वाहेगुरु सबको बढ़ाए, दोनों अच्छे रहे। जो वहाँ पर हालात हैं या हिंदू भाई चाहे सिख भाई सब ठीक है, हमारे सिंध में तो ठीक है। हम कारोबारी बंदे हैं, इस वजह से हम लालच नहीं रखते। कितने लोगों का वीजा लगा? 48। तो किस तरीके को वापस जा रहे हैं? अभी तो आए हैं, वापसी तो यात्रा करके फिर चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे दोनों सरकारों को? दोनों हम दोनों सरकारों को अपने अच्छी तरह से ताल्लुकात रहे, क्योंकि आपस में एक ही बात है, यहाँ के रिश्तेदार वहाँ के रिश्तेदार एक ही। वीज़ा लगना चाहिए सभी को, इसका वीज़ा लगना चाहिए। अभी हमारे हज़ारों जो उधर के अबलाकी हैं, प्रेमी हैं, संगत है, वो बोलते हैं कि हम इधर आ जाएं, वीज़ा लगे, पर किनों के रह गई, हम 48 के लग गई है, वो भी हम बड़े खुश नसीब वाले हैं। अब जो पाकिस्तान से दर्शन करने आए, हम बहुत खुश हैं यहाँ पर। मैं आईडी से ही जा रहा हूँ। कितने दिन का वीजा लगा? 25 दिन का लगा है, पहले को वापस जाएंगे। कहाँ कहाँ जाओगे दर्शन करने? ऋषिकेश जाएंगे, हेमकुंड साहब वहाँ पर हैं, दिल्ली जाएंगे और अमृतसर आएंगे। पहले भी कभी आए हो या पहली बार? कितने श्रद्धालु हैं टोटल? 48। क्या कहने चाहेंगे दोनों सरकारों को जो वीजा प्रणाली सरल हो सके? हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, बाकी आपको पता है। मेरा नाम एस सी अरुणमाल है जी, मैं एज़ ए प्रोटोकॉल अटारी बॉर्डर के उत्ते पोस्ट में। पाकिस्तान सरकार वालों अज एक सिख श्रद्धालुओं का जत्था, जिन्हों की गिनती 49 सी, जिन्होंने 48 जोड़े आ सिख श्रद्धालु पाकिस्तान तो करीब 1:30-2 बजे के करीब जीरो क्रॉस की। इस तो बाद कस्टम तो इमीग्रेसन होया जी। ये 48 सिख श्रद्धालुओं का जत्था इतों दरबार साहब जाएगा जी, मत्था टेकन उपरंत दिल्ली जाएंगे, दिल्ली तो बाद उत्तराखंड, तो खास तौर पर जो स्पैशल विजिट है वो हेमकुंड साहब की है जी। हेमकुंड साहब के नाल नाल होर भी धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हुए, तो ये अगले महीने की 6 तरीक अक्टूबर है नवंबर अक्टूबर की 6 तरीक वापस जाएंगे। इन्हों 25 दिन का वीज़ा मिलेगा, जबकि 23 दिन का वीज़ा अपना करके सारा टूर गुरुधाम की यात्रा करके वापस आ रहे जी। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जी वालों इन्हों वास्ते एक डॉक्टरी टीम इतने मुहैया की गई सी। इन्हों का रैपिड टैस जो सारे का किया गया, कस्टम इमीग्रेसन होया, इन्होंने प्रॉपरली सारे कागूमेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे के इन्हों आउट किया गया। दिल्ली सरकार वालों इन्हों वास्ते एक एसी बस जी प्रोवाइड की गई है, जी इन्हों इतों लैके दिल्ली जाएगी तो हो गुरुधाम की यात्रा कराई जाएगी। जगह ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत तो जेडे इन्हों लीड कर रहे सरदार सतेंद्र सिंह है जी, वह ननकाणा साहब तो जी, तो पेशावर तो जी।